subscribe my channel and press the bell icon. सलमान खान की फिल्म भारत में दिखेंगे त्योहार के रंग, गुलाल उड़ाएंगे दबंग खान। हाय फ्रेंड, मैं हूं और आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत को लेकर आए दिन कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आती रहती है। आपको बता दें कि 25 जनवरी के मौके पर फिल्म का टीजर आया था, जिसे देखने के बाद अब फैंस इस फिल्म का ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों की माने तो फिल्म के मेकर्स ने भारत के लिए एक से बढ़कर एक टोटल 6 गाने तैयार किए हैं, जिसमें से 3 गाने को होली, दिवाली और शादी के इर्द गिर्द ही बताया जाएगा। वही बाकी 3 गाने को कहानी के मुताबिक ही तैयार किया जाएगा, यानी कि सलमान खान के इस फिल्म में भारत के त्योहार के रंग दिखेंगे। दोस्तों, 40 दिन के शूटिंग शेड्यूल के लिए 1950-1960 के दशक की दिल्ली के को तैयार किया गया है। फिल्म के गानों की तैयारी काफी समय पहले ही हो चुकी थी। वैसे इन दिनों हर फिल्म में किसी पुराने गाने का रिकॉर्डेड वर्जन होता है, लेकिन सलमान खान की इस फिल्म में एकदम फ्रेश गाने होंगे। सलमान खान की फिल्म रेस 3 पिछले साल फ्लॉप हुई थी, ऐसे में सलमान खान इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सलमान खान चाहते हैं कि इस फिल्म में ऐसी कोई कमी न हो जिससे फिल्म को नुकसान पहुंचे। पिछले दिनों रिलीज हुए फिल्म के टीजर में सलमान खान के कई अवतार देखने को मिले। नेवी अफसर, सर्कल स्टैंडमैन, कोयला मजदूर और बॉक्सर दमदार रंग दिख रहा है। तो दोस्तों, भारत फिल्म के टीजर में आप सभी को यह तो पता चल ही गया होगा कि सलमान खान की फिल्म भारत देशभक्ति से भरी होगी, और यही वजह है कि इस फिल्म के टीजर को रिपब्लिक डे से ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया। तो दोस्तों, आपको बता दो, सलमान खान की फिल्म भारत इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली, इस फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।